अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स मुनपल्ली में हुए तसादुम का मामला, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों का मशावरती इजलास, कई अहम फैसले लिए गए और हिदायत जारी की गई ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ियात फिर न हो। अक़लियती अक़ामती स्कूल मुनपल्ली का अवाम टीवी अमले ने दौरा किया। हुकूमत ने नेक नियति से इन स्कूलों को कायम किया लेकिन इंतजामी खामियां साफ तौर पर नजर आई। अवाम टीवी व अपना टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने इस तरफ इशारा किया। फैसा के इस्लामिया मॉडल स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम का एहतमाम, कंसिल तलबा ने शानदार मॉडल्स बनाए और लोगों के दिल जीत लिए। बास तलबा के मॉडल्स ने लोगों की तवज्जो खींच ली। टेलर्स डे के मौके पर शहर के टेलरों की रैली, हारिस जिंदानी ने रैली का इस्तकबाल किया। टेलर्स कायदीन ने कहा कि रेडीमेड की बौछार ने टेलरों को बेरोजगार बना दिया, हुकूमत टेलरों की इमदाद व बाज आबादकारी के इकदाम करे। अब खबरें तफसील से। मुनपल्ली अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज के तलबा में तसादुम, कई तलबा को मामूली जख्म आए मगर सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तलबा में टकराव का रुझान नाकाबिले नजरअंदाज, इसलिए इकदाम लाजमी है। इस सिलसिले में खामियों की तलाश लाजमी है ताकि सुधार किया जा सके। आर्मर मंडल के मौजे मुनपल्ली में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज का आज अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि दो दिन कब्ल इस स्कूल के अहाते में नवी और दसवीं के तलबा की आपसी लड़ाई में कई तलबा जख्मी हुए थे, जिनको दवाखाने से रुजू किया गया था मगर इनमें किसी को भी तशवीशनाक जख्म नहीं आए थे। लेकिन मामला तलबा का था और इल्जाम की बौछार थी, लिहाजा जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अवाम टीवी अमला पल्ली के इस अक़ामती स्कूल को पहुंचा और इंतजामिया से गुफ्तगू की। शबे मेराज और शिवरात्रि की वजह से कई तलबा गैर हाजिर थे और स्कूल बंद था। यहां पर जो तश्वीशनाक बात समझ में आई, एडिटर अवाम टीवी ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में इसका अहाता किया है। आइए देखते हैं मुनपल्ली के इस अक़ामती स्कूल की सूरत हाल। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त मुनपल्ली में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल के ग्राउंड में ठहरा हुआ हूँ। ये जो पीछे आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है वो तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज का है। इसमें जूनियर कॉलेजेस भी है और जो है सो यहाँ पर दो अक़लियती अक़ामती स्कूल भी इस बिल्डिंग के अंदर चलाए जाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये इस तरफ का जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें जो है सो अक़लियती अक़ामती स्कूल 22 जूनियर कॉलेज चल रहा है और इस तरफ जो है ग्राउंड फ्लोर पर 22-3 का जूनियर कॉलेज चल रहा है। और उसी तरह ये जो फर्स्ट फ्लोर जो नज़र आ रहा है उस पर 22 हाई स्कूल है और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है सेकंड फ्लोर पर 22-3 के जो सो स्कूल है, यानी कि एक ही प्रीमिसेस के अंदर एक ही बिल्डिंग के अंदर दो अलग अलग स्कूल चलाए जा रहे हैं और उसमें हाई स्कूल भी है फिर जूनियर कॉलेज भी है। यहाँ इस बात की वजह ज़रूरी है कि ये 6 साल कबल इस बिल्डिंग को इधर टेमरेज के तहत माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किराए पर लिया था और इसी स्कूल के अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जो सो सेकंड फ्लोर पर 3 स्कूल अलग अलग चलाए जाते थे, जिसमें से आलूर के स्कूल को यहां से आर्मूर को मुंतकिल कर दिया गया है। अब यहां पर 2 स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिन कबल एक जो सो झगड़ा हुआ तलबा के दरमियान, 22 और 22-3 के जो सो तलबा के दरमियान यहाँ पर झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ तलबा ज़ख्मी हुए। तो यहाँ मसला ये है कि इस तरफ जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है बड़ा वसी ग्राउंड है और यहाँ पर जो सो तलबा को खेलने के लिए 22 को इस तरफ का हिस्सा दिया गया और 22-3 को इस तरफ का हिस्सा दिया गया, लेकिन
खेलने के दौरान बाल इधर से उधर उस तरफ से इस तरफ चबाता था तो तलबा के दरमियान तनाव पैदा होता था और ये इसी तनाव का नतीजा था कि जो सो परसों तलबा के दरमियान जो सो बड़ा झगड़ा हो गया। और वो तलबा आपको सुन के हैरत होगी, 9th-10th के तलबा है, 15-16 साल की उम्र के होंगे या 14 साल की उम्र के होंगे। इन तलबा ने जो सो मारपीट की, उसमें कुछ लोगों के जख्म आए और यहाँ पर जो सो मामला पुलिस तक पहुँचा और औलिया तलबा अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाने पर मजबूर हो गए। और आज इस स्कूल में हमने जायज़ा लेने के लिए जो सो यहाँ पहुँचना ज़रूरी समझा था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो मालूम हुआ कि शबे मेराज और शिवरात्रि की वजह से यहाँ के जो तलबा है अपने घरों को गए हुए हैं और असातिज़ा की भी बड़ी तादाद जो सो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो सो वार्डन और कुछ असातिज़ा और जो सो हाउसकीपिंग का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और कुछ तलबा भी हैं जो अपने घरों को नहीं जा सके और बाकी जो सो स्कूल यहाँ पर बंद है, कोई तालीमी नज़्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो सो जो बात हमको कहनी है वो ये है कि यहाँ पर हमें कुछ कमियाँ भी महसूस हुई हैं, उस कमियों की तरफ तवज्जो देने की इंतज़ामिया को और हुकूमत को जो सो ज़रूरी है कि उस तरफ तवज्जो दे और इसकी इस्लाह की कोशिश करें। यहाँ पर वार्डन तो मौजूद है, हाउसकीपिंग के जो सो स्टाफ में सिर्फ 3 अफराद काम करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की मौजूदा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से नाकाफ़ी है। ये दोनों स्कूलों में बताया गया कि 1200 तलबा जो सो ज़ेर तालीम है, यहाँ पर 1200 की तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है, उनके लिए जो सो बहुत कम स्टाफ जो सो ऐसा महसूस होता है कि इंतज़ाम में जो सो कमी पैदा हो रही है और जिस इंतज़ाम को करना मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए आज जो इसलिए हाउसकीपिंग के स्टाफ को बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी गार्ड्स का है। हमको अभी बताया गया कि 22 और 22-3 के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड है, जिसमें 2 सुबह रहते हैं और 2 शाम में रहते हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या 1200 बच्चों को 2 अफराद जो दिन में रहते हैं क्या संभाल पाएंगे, क्या उन पर कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड हमने आते वक्त देखा कि गेट पर बैठे हुए हैं, तो जब वो गेट पर बैठे हुए तो यहाँ पर तलबा की निगरानी कौन कर रहा है, तलबा का तहफ़ कौन फराम करेगा, यहाँ पर तलबा के तहफ़ का मसला पेश आ रहा है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरी जो सो अरबाब मजाज बिलखसूस जो सो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो सो इदारा टेम्ब्रिज से जो सो मेरी ख्वाहिश ये है कि इस स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स के जो सो इस स्कूल में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी जो सो अकामती स्कूल्स हैं, जो सो रियासत में 204 अखलती अकामती स्कूल हैं और 118 जूनियर कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए। अब यहाँ पर जो 2 सिक्योरिटी गार्ड है, एक तो 22-2 का है और दूसरा 22-3 का है, तो सवाल ये है कि फिर जूनियर कॉलेज के तलबा की निगरानी के लिए, उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन है? तो जब ये 3 स्कूल जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल 21, हाई स्कूल 22, तो यहाँ पर जो सो बच्चों को तहफ़ फराहम करने वाले कौन है? ये बहुत बड़ी कमी है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये जो अब यहाँ पर आए हैं, जिस चीज़ को हमने शिद्दत से महसूस किया है वो है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 अलग अलग स्कूल चलाना और 2 अलग अलग जूनियर कॉलेज चलाना बहुत ही हैरत अंगेज़ है। और यहाँ पर ऐसा देखा गया कि एक स्कूल के तलबा में और दूसरे स्कूल के तलबा में काफ़ी तनाव है, यानी कि स्कूल की बुनियाद पर 22 और 22-3 की बुनियाद पर इन लोगों में आपस में हमेशा जो सो तनाज़ा चलते रहता है। तो लिहाजा जो सो इस बात की कोशिश की जाए कि इस स्कूल में से किसी एक स्कूल को किसी दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाए, उसी तरह जूनियर कॉलेज को भी मुंतकिल किया जाए। तो यहाँ पर जो सो जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल 22-3 एक ही बिल्डिंग में चलाना हमारी नज़र में मुनासिब नहीं लगता, और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में भी इजाफा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो सो तलबा के दरमियान भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी ज़रूरी है। और हमने एक और एक बात नोट की कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ड्रेस नहीं पहनते, तो सिक्योरिटी गार्ड को ड्रेस पहनाने की भी ज़रूरत है ताकि महसूस हो कि ये सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर जो सो निगरानी कर रहा है और उसका डर तलबा पर होना चाहिए। और यहाँ पर जो बाउंड्री हमको नज़र आई है, इस बाउंड्री की कोई हिसारबंदी नहीं, दूर दूर तक खेतों को जो सो रास्ता नज़र आ रहा है। अब यह तलबा को रोकना, तलबा को जो सो स्कूल की हदूद में रोके रखना मुश्किल ही बल्कि नामुमकिन नज़र आता है, और खुला रास्ता है, तलबा जो सो खेलते कूदते जो सो दूर तक जा सकते हैं और जो सो वहाँ पर कोई हादसा उनको पेश आ सकता है, किसी जो सो ज़रर पहुँचाने वाले जानवर का उनको सामना करना पड़ सकता है, पीछे पहाड़ी इलाका भी है और जंगलाती माहौल है। तो
तो यहाँ पर हिसार बंदी की भी जो सो बहुत शदीद जरूरत है। बहरहाल ये अखलती अकामती स्कूल हुकूमत ने इंतहाई नेक नीयति के साथ शुरू किए हैं। रियासती वजीर आला ने बहुत बड़ा कदम उठाया, 204 अखलियती अकामती स्कूल, 118 जूनियर कॉलेजों का काम अमल में लाया है अखलियतों के लिए, जिसमें अखलियतों की 75% जो सो तादाद पड़ती है, जबकि दीगर तबकात के 25% तलबा होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद को जो सो तालीम फराहम करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों का काम अमल में लाना बहुत बड़ा कारनामा है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए वज़ीर आला केजीआर साहब की इंतहाई सताइश करते हैं और उनसे इज़हार तशक्कुर भी करते हैं, क्योंकि जो सो कहते हैं कि किसी तबके को अगर तरक्की के किसी गामजन करना है, किसी कौम को तरक्की किसी गामजन करना है, तो उसको इल्म से आरास्ता कर दो, और केसीआर साहब उस कोशिश में मसरूफ़ है। और 204 अखलती अकामती स्कूल, 118 जूनियर कॉलेज का काम मामूली बात नहीं है। एक वक्त था सिर्फ जब दो स्कूलों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, लेकिन ये स्कूल उन्होंने बगैर किसी जद्दोजहद के अखलती तबकात को फराहम किए, इसके लिए इजहार तशक्कुर करना लाजमी है। लेकिन हम साथ ही रियासती हुकूमत बिलखसूस रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब से ये ख्वाहिश करते हैं कि इन स्कूलों में तहफ्फुज़ के इकदाम को मजबूत बनाया जाए, बच्चों की जो सो सिक्योरिटी को अहमियत दी जाए, और जो सो इस तरफ जो सो तवज्जो देने की इस वक्त ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि यहाँ पर मूनपल्ली में जो वाकई स्कूल है, यहाँ पर परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और जो सो खुदा का शुक्र है कि जो सो कोई ऐसा शदीद मामला पेश नहीं आया कि जिसकी वजह से कोई जो सो परेशानी हो। अब मगर तलबा का आपस में मार लेना और ज़ख्मी होना ये बहुत बड़ी बात है, और जो सो ये स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ये एक ऐसा मामला है जिसको आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तलबा की शिकायतें हैं, इन शिकायतों को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि इन स्कूलों की बका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इन स्कूलों को बाकी रखना है तो औलिया तलबा जो हैं, जो इन स्कूलों में अपने बच्चों को एतमाद के साथ हुकूमत पर भरोसा करते हुए लाकर छोड़ते हैं, उनके एतमाद को बहाल रखना ज़रूरी है, और उनके एतमाद को बहाल रखने के लिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए, हाउसकीपिंग की जो तादाद में इजाफा किया जाए, और इसके अलावा वार्डन के साथ निगरानी के शोबे में भी बिलखसूस रात और दिन के दरमियान जो निगरानी के लिए जो सो कुछ अफराद उनको अलग से मुख्तस किया जाए, तो इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो ये स्कूल बहुत ही कारामा साबित होंगे, और इससे जो सो हर तबके हर कौम को फ़ायदा होगा, क्योंकि अखिलत में सिर्फ मुसलमान नहीं होते, क्रिश्चन भी है हमारे, सिख भाई भी है, और जो इसके अलावा पसमानदा तबक़ात है हमारे, ये सिख भाई है, उन लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो लिहाजा एक जो सो बेहतरीन जो सो ज़रिया है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का, इसको मज़ीद महफूज बनाने की शदीद ज़रूरत है। लिहाजा हम हुकूमती हुकाम से, ज़िला हुकाम से भी एक ख्वाहिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे, और यहाँ पर जो जो मुनासिब हिफाजती इकदाम किए जा सकते हैं करें। ये थी हमारी मुख्तसर सी बात जो आप तक पहुँचानी थी, हमने पहुँचा दी। हमने बात को महसूस किया कि तलबा के दरमियान होने वाला झगड़ा मामूली झगड़ा नहीं है, ये मामूली मसला नहीं है, ऐसे मसले दोबारा ना हो इसके लिए कोशिश करना लाजमी है, इसी तरफ हमको तवज्जो दिलाना था। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कैम्ब्रिज के अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज 1 और 2 के तलबा के दरमियान तसादुम का मामला, कई तलबा मामूली तौर पर जख्मी हुए। जिला कलेक्टर की हिदायत पर इस तरह के वाकयात के सदबाब के लिए मशावरत इजलास अहम महकमे जात और कैम्ब्रिज के अलावा पुलिस ओहदेदार भी इजलास में शरीक। टेम्ब्रिज के जिले ओहदेदारा निज़ामाबाद ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 2 और बॉयज़ 3 मूनपल्ली निज़ामाबाद के तलबा में आपसी झगड़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। मुतालिका प्रिंसिपल और असातिज़ा को तलबा की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने और औलियाए तलबा में एतमाद को फौरी बहाल करने की हिदायत दी और स्कूल्स की नेकनामी के लिए अमली इकदाम करें ताकि हुकूमत तेलंगाना व टेम्ब्रिज के मकासद की तकमील हो सके। मोहम्मद अब्दुल बसीर रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर निज़ामाबाद कामरी टेम्ब्रिज ने अपने बयान में कहा कि बरोज़ एतवार शाम के औकात क्रिकेट मैच के दौरान आपसी बहस व तकरार के बाद झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें बाज़ तलबा ने गड़बड़ करते हुए अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। उस वक्त ड्यूटी टीचर ने फौरी मदाखलत की, मुतालिका प्रिंसिपल्स व अहदेदारों को इत्तला दी। इसी असना में औलियाए तलबा के फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद ज़िया और टीवी रेशम और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के नागराव ने स्कूल्स का दौरा किया, स्टाफ तलबा और औलियाए तलबा से रात देर गए तक बात की और हालात पर काबू पा लिया और मुतालिका प्रिंसिपल से रिपोर्ट तलब की। निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर सेक्रेटरी टेम्ब्रिज की हिदायत पर RDO आर्मूर की ज़ेर निगरानी में एक आला सतही कमेटी ने मुतालिका कैंपस का दौरा किया और मुतालिका प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का एक अहम इजलास तलब किया, तमाम पहलुओं पर गौर किया और ओहदेदारों ने हिदायत दी कि प्रिंसिपल और असातिज़ा
तलबा पर खुसूसी तवज्जो दे, अखलाकी पहलुओं को उजागर करे, शरारती तलबा की काउंसलिंग की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हों, और फौरी औलिया तलबा से रब करते हुए उनका एतमाद बहाल करे, क्योंकि जमात दहम और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहान अनकरीब मुनक्किद होंगे। कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जिला कलेक्टर और सेक्रेटरी टेमरीज को पेश की, मजीद तहकीकात जारी है। इस मौके पर असातिज़ा ने अपने स्कूल्स की नेक नामी के मुतासिर होने और इस हरकत पर तश्वीश का इजहार किया और स्कूल्स व तलबा की बेहतरी के लिए अपने अपने तजावीज़ पेश किए और इस अज़्म का इजहार किया कि दोनों स्कूल्स का स्टाफ मिलकर टेमरीज के जामे तालीमी मनसूबे को रोबे अमल लाएंगे। इस मौके पर RDO आर्मोर DMW निज़ामाबाद, DW एंड CEO, RLC विजिलेंस टीम, प्रिंसिपल स्टाफ, पुलिस सब इंस्पेक्टर जकरानपल्ली और सरपंच भी मौजूद थे। भैंसा के इस्लामिया मॉडल स्कूल में एक रोजा साइंस व एजुकेशनल फेयर का इनेकाद, स्कूल के तलबा ने कई एक शानदार मॉडल्स बनाए और सुलझे हुए अंदाज में इसकी वजाहत की। कई अहम कायदीन व अकाबरीन ने इस साइंस फेयर का मुशाहिदा किया और तलबा की कोशिशों की जबरदस्त सताइश की। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में योम साइंस के मौके पर मदरसे हाजा में तलबा एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा योम साइंस व एजुकेशनल फेयर का एहतमाम किया गया। एजुकेशनल फेयर में साइंसी मॉडल्स जिनमें कोरोना वायरस, जंगलात का तहफ़ ड्रिप इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, न्यूटन का दूसरा कुलिया, ठोस माया गैस, निज़ाम हाजिमा, तनफ़ुसी निज़ाम, अखराजी निज़ाम और चंद फूलों का वसी बगीचा काबिल दीद व तहसीन रहा। स्कूली तलबा, औलिया तलबा व मौजिज़ीन शहर ने नुमाइश का मुशाहिदा किया और तलबा असातिज़ा व स्कूल इंतजामिया को दादो तहसीन पेश की और तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल सलीम सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि तलबा को चाहिए कि वो अपने अंदर की पोशीदा सलाहियतों को उभारें और साइंस व टेक्नोलॉजी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए ताकि कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर सके। बादिजा सदर मुदरिस अब्दुल बासित सिद्दीकी ने तलबा की काविशों को खूब सराहा और कहा कि यकीन, कोशिश और मेहनत करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलकर ही रहती है। हमको चाहिए कि हम तमाम इस पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल करते रहे। इस मौके पर स्कूली तलबा, तालिबात, औलिया तलबा, मौजिज़ीन शहर, सहाफ़ियों के अलावा असातिज़ा जिनमें शेख अमीर, ज़ुबैर अहमद, अब्दुल वाहिद, शेख मसूद, अब्दुल रहमान, शेख इरफान, अरशद अली के अलावा मौलिमात की कसीर तादाद मौजूद थी। अब कोरोना वायरस एक वबाई बीमारी है, जानवरों से इंसान भी और एक नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोवर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल हैं। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीति भी आला से ले आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करें, फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपए का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाजों से हम महान सोने और चांदी के जेवरात दस्तियाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात, इनकी
पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका फराहम करें। हमारी एक खसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फीतुल्ला 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम और खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक महाना 5000 रुपए जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60000 रुपए का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद ने आरमूर में एमबीटी के दफ्तर का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि आरमूर में एमबीटी जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर रही है, लिहाजा एमबीटी कायदीन व कारकुनान को डराने या फिर इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने अपने दौरे आरमूर के मौके पर एमबीटी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आरमूर के बेशुमार नौजवानों ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शामिल होने वाले कायदीन ने कहा कि वो एमबीटी की बेबाक क्यादत से शदीद मुतासिर है। हर हसास मिली मसले पर उठने वाली पहली आवाज़ अमजदुल्ला खान खालिद की होती है, जिससे हमको ये एहसास पैदा होता है कि कोई तो ऐसा लीडर मौजूद है जो मिल्लत के मसाइल पर बेबाक वो निडर अंदाज में आवाज़ उठाने का हौसला रखता है, वरना बहुत से कायदीन अपने मफादात की वजह से मुस्लिम मसाइल पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस प्रोग्राम की सदारत सदर एमबीटी आरमूर शेख माजिद ने की। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि शेख माजिद एक बेबाक व बेलोस कायद है, जिनकी बेबाक नुमाइंदगी ने सियासी ऐवानों को लर्जा कर रख दिया है। इनकी बेबाक व जुरात से परेशान सियासी कायदीन इनके एतमाद को मुतजलजिल करना चाहते हैं, लिहाजा इशरार की मदद से इनकी दुकान को जलाने और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि आइंदा एमबीटी का मुजाहरा शानदार रहेगा। इस मौके पर सदर जिला एमबीटी अब्दुल कादर साजिद और सिटी एमबीटी अब्दुल बासित भी मौजूद थे। यहाँ पर जो है आज अल्लाह के फजल से मजलिस बचाओ तहरीक का एक दफ्तर का इनॉग्रेशन हुआ है और हमारे यहाँ के सदर जनाब शेख माजिद साहब हैं और कई लोग यहाँ पर मजलिस बचाओ तहरीक ज्वाइन किए हैं और ख़ास तौर पर नौजवान तबके की बहुत ज़्यादा तादाद मजलिस बचाओ तहरीक में शिरकत की है। अल्लाह से उम्मीद है कि ये नौजवान हमारे साथ रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे हम, क्योंकि मजलिस बचाओ तहरीक की रुकूनियत जो है सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत कॉन्सेप्ट रख के, अगर मिल्लत की खिदमत और मिल्लत का काम करना ये कॉन्सेप्ट रख के अगर ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब बनाएगा। और मैं काबिल मुबारकबाद है हमारे शेख माजिद साहब जो है 6 महीने हुआ है एमबीटी ज्वाइन करके, लेकिन पूरे आरमूर की सियासत को हला दिए। आज हर पार्टी वाली पार्टी जितने भी हैं यहाँ पर आरमूर में, चाहे वो आप TRS का नाम लीजिए, चाहे आप कांग्रेस का नाम लीजिए, चाहे किसी और पार्टी का नाम लीजिए, सब जो है मजलिस बचाओ तहरीक के एक्टिविटीज से आरमूर में परेशान है। जमात इस्लामी आठ नगर की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद, ये कैंप खवातीन के लिए मखसूस था। डॉक्टर सुजाता भंडारी और डॉक्टर फरीदा के अलावा कई खातून डॉक्टर्स ने खवातीन की तशखीस की और इलाज तजवीज किया। कैंप इंतजामिया की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गयी। आटोनगर में वाक़े नया ब्रिज के करीब एक स्कूल में जमात इस्लामी आटोनगर की जानिब से एक शानदार हेल्थ कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें कई अहम माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की और मरीजों की तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। अमीर मुकामी जमात इस्लामी आटोनगर रियाज तन्हा के मुताबिक आटोनगर के एक सलम इलाके में बेशुमार गरीब खानदान बसते हैं, जिनमें अक्सर इलाज के अखराजात के मुतहम्मिल नहीं होते, लिहाजा ऐसे लोग इलाज करवाने से कतराते हैं। ऐसे लोगों की मदद व सहूलत के लिए जमात इस्लामी आटो नगर ने मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद का फैसला लिया, जिसमें जमात इस्लामी शोबे खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कैंप के इंतजामात में सैयद आरिफ अली ने अहम रोल अंजाम दिया, जबकि मोहम्मद रिजवान, सैयद निसार अहमद, मोहम्मद नईमुद्दीन और इसाक हुसैन के अलावा दिगर ने माविनियत। इस कैंप में विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल की मारूफ डॉक्टर सुजाता भंडारी, जो मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट है और हामिला खवातीन के अलावा जनानी अमराज की माहिर है,
उन्होंने खातून मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज किया और खवातीन को कई अहम मशवरे दिए और साथ ही मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। डॉक्टर फरीदा बेगम ने इस कैंप के इनेकाद और डॉक्टरों से रब में अहम रोल अंजाम दिया, जिनमें डॉक्टरों ने इस हेल्थ कैंप में मुफ्त खिदमात फराहम की। इनमें डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर हेमत चक्रपानी, डॉक्टर सरस्वती और डॉक्टर शैलजा शामिल है। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि यह हेल्थ कैंप सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था और इस हेल्थ कैंप से सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। नाजरीन, अभी आपके सामने जमात इस्लामी का फ्री मेडिकल कैंप का मंजर आप देख रहे हैं। इसमें ऐसे अमराज जो जिल्द के अमराज हैं, शुगर है, बीपी है और फिर खवातीन के जो पोशीदा अमराज हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर तशखीस की जाकर मुफ्त में दवाएं दी जा रही हैं और ये काम जमात इस्लामी अपने तौर पर अंजाम दे रही है। हमारा ये शेवा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के उस इरशाद के मुताबिक के बंदों की खिदमत दरअसल खुदा की खिदमत है, तो हम उसी काम को आगे बढ़ाते हुए ये काम अंजाम दे रहे हैं। वुमेन डॉक्टर विंग्स एसोसिएशन से चेयरपर्सन निज़ामाबाद, आज हम लोग जमात इस्लाम हिंद के एसोसिएशन से यहाँ पे स्पेशली लेडीज़ हेल्थ चेकअप प्लान किया गया है, क्योंकि जब लेडीज़ सेहतमंद रहेंगे तो एक घर सेहतमंद रहेगा और बच्चे सेहतमंद रहेंगे, यानी एक सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप होंगी। उसी को दिमाग में रखते हुए लेडीज़ का एसोसिएशन का जो विंग है स्पेशली लेडीज़ के हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तआला ने हम तमाम को सुन्नत नबवी पर चलने की तौफीक दी और ये अल्लाह तआला की रहमत है। तमाम अच्छे काम अल्लाह ही की रहमत से तकमील पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुसूसी डॉक्टर फरीदा मैडम और हमारे जमात इस्लामी, हम दोनों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेडिकल कैंप का क़याम जो है अमल में लाया है, जिससे अल्लाह की रहमत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज हम लोग इधर वुमेंस डॉक्टर विंग के तरफ से एक कैंप लगाए हैं एक ये ऑटो नगर एरिया में, तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग पेशेंट्स के लिए इधर देख के हम लोग ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स और सिरप भी दे रहे हैं जो पेशेंट्स को जिनको ज़रूरी है, और हम लोग इधर एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर रहे हैं कि पैप्स में स्क्रीनिंग टेस्ट जो पेशेंट्स को जरूरी है वो हम लोग इधर प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को यूज हो जाएगा। टेलर्स डे के मौके पर निजामाबाद के टेलर्स ने रैली निकाली। आजम रोड पर हारिस जिंदानी ने इस्तकबाल किया और टेलर्स डे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टेलर्स फायदीन ने कहा कि रेडीमेड की सनत ने टेलर्स को बेरोजगार बना दिया, लिहाजा हुकूमत टेलर्स की बाज आबादकारी के इकदाम करे। 28 फरवरी को टेलर्स डे तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम टेलर्स ने एक रैली निकाली। इस रैली का अहतमाम केएमसी बटन स्टोर के मालिक मोहम्मद हारिस जिंदानी और मोहम्मद इसाक जिंदानी ने की, जबकि इस रैली की क्यादत टेलर्स एसोसिएशन के सदर डी गंगादास ने की, जबकि रैली में सेक्रेटरी कुत्तुरु ग्रुप के अलावा बड़ी तादाद में टेलर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टेलर्स कायदीन ने कहा कि दौरे हाजिर में रेडीमेड मलबूसात की भारी तादाद मैदान में आ जाने की वजह से टेलर्स की आमदनी में भारी कमी वाकई हुई है। बेशुमार टेलर्स अक्सर बेरोजगारी का शिकार रहते हैं, लिहाजा ऐसे टेलर्स को हुकूमत इमदाद की फराहमी लाजमी है। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बेरोजगार टेलर्स को वजीफा फराहम किया जाए और इनको डबल बेडरूम मकान और दीगर सहूलतें फराहम करते हुए इनकी मदद की जाए ताकि ये टेलर्स अपने अफराद खानदान के हमरा पुरसकून जिंदगी गुजार सके। इस मौके पर हारिस जिंदानी ने तमाम टेलर्स ब्रादरी को टेलर्स डे की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिंदगी के हालात में उतार चढ़ाव अक्सर पेश आते हैं, लिहाजा हालात का सामना लाजमी है, कल को बेहतर हालात भी जरूर आए। उन्होंने अपनी जानिब से मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। टेलर्स डे के मुबारक मौके पे हमारे पूरे टेलरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सारे टेलरों को अच्छा हो जाए उसकी जो है तमन्ना रखता हूँ। इसमें जो है टेलर्स के लिए एसोसिएशन से मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन में टेलरों का बहुत ही बेहाल है, कामा नहीं है और रेडीमेड बहुत हो गया अपने मार्केट में निज़ामबाद में। हम 40 साल से ये टेलर चला रहे हैं, हमारे जो भी डिमांड्स है गवर्नमेंट को हम लोग देना चाह रहे हैं, हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है हमारे
काम कर करके बहुत से लोग 50 साल में ही आंखों का ऑपरेशन हो रहे हैं और आंखों से बहुत ही काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है उन लोगों से। उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दिया जाना चाहिए। वासियों को हमारा टेलर्स डे का मुबारक। और आज के दौर में हमारे KMC बटन स्टोर जो भी है, हमारा जिंदा ने हरीश भाई और इशाक, उन्होंने हमारा संगम के वास्ते, हमारे टेलर एसोसिएशन के वास्ते बहुत कुछ स्पॉन्सर करे, उनके लिए हमारा आभार किए। हम हर साल में उनसे हम हेल्प लेते रहते और हेल्प देते रहते, हमारा मिलजुल के काम है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स मोनपल्ली में हुए तसादुम का मामला, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों का मशावरती इजलास, कई अहम फैसले लिए गए और हिदायत जारी की गई ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ियात फिर न हो। अक़लियती अक़ामती स्कूल मोनपल्ली का अवाम टीवी अमले ने दौरा किया। हुकूमत ने नेक नीयती से इन स्कूलों को कायम किया लेकिन इंतजामी खामियां साफ तौर पर नजर आई। अवाम टीवी व अपना टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने इस तरफ इशारा किया। भैंसा के इस्लामिया मॉडल स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम का अहतमाम, कंसिल तलबा ने शानदार मॉडल्स बनाए और लोगों के दिल जीत लिए। बास तलबा के मॉडल्स ने लोगों की तवज्जो खींच ली। टेलर्स डे के मौके पर शहर के टेलरों की रैली, हारिस जिंदानी ने रैली का इस्तकबाल किया। टेलर्स कायदीन ने कहा कि रेडीमेड की बौछार ने टेलरों को बेरोजगार बना दिया, हुकूमत टेलरों की इमदाद व बाज आबादकारी के इकदाम करे। तो ये थी खबरों की तफसील, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।